छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल एवं राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने किया एसडीएम कार्यालय के नवीन भवन का उद्घाटन। दौरे पर आए कलेक्टर ने किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों को जल्द दुरुस्त करने के दिए निर्देश। छतरपुर जिले के गौरिहार अनुविभाग में एसडीएम कार्यालय के नवीन भवन का कलेक्टर पार्थ जायसवाल एवं राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को बधाई दी। तो वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के दौरे पर आए कलेक्टर ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भ्रमण के दौरान कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अस्पताल निरीक्षण के दौरान जो खामियां पाई है उन्हें जल्द दुरुस्त करने के प्रयास किए जाएंगे। राज इंडिया 18 के लिए क्षेत्रीय ब्यूरो अशोक सिंह भदौरिया लवकुशनगर। आज गौरिहार तहसील में एसडीएम ऑफिस का उद्घाटन किया गया। काम की क्वालिटी भी इंस्पेक्ट करी गई, काम की क्वालिटी काफ़ी अच्छी पाई गई। अब जल्द से जल्द एसडीएम कार्यालय वहाँ पर शुरू हो जाएगा। उसके अलावा जनपद लेवल के जितने भी अधिकारी हैं हमारे स्वास्थ्य विभाग के, जनपद के, पीएचसी के, उन सब के अधिकारियों की छोटी सी बैठक ली गई और गौरिहार की स्वास्थ्य विभाग की भी आज आपके द्वारा यहाँ पर अस्पताल में भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान क्या पाया गया और किस तरह की खामियाँ या अच्छाइयाँ पाई गई हैं? अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गौरिहार का निरीक्षण किया गया है जी, और जो आवश्यक कुछ कमियाँ पाई गई हैं उनको दुरुस्त करने के लिए डीएम को निर्देश दिया गया है। थोड़ी बहुत कमियाँ स्टाफ से संबंधित, कुछ स्टाफ की कमी है उसको भी। सर, 80,000 की पॉपुलेशन के बीच में यहाँ सिंगल डॉक्टर है जो बहुत बड़ी समस्या कहीं ना कहीं नाइट के समय भी बहुत बड़ी समस्या जनता के बीच में है, किस तरह से सर निराकरण किया जाए? यहाँ पे स्टाफ की कमी निश्चित रूप से परिलक्षित हो रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी डॉक्टर्स की थोड़ी कमी है, उसको हम जल्द से जल्द जिला स्तर से क्षेत्रीय औकात हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी और प्रदेश सरकार माननीय जीडी शर्मा जी के द्वारा पूर्व में सूचित कराई गई थी। आज ये बिल्डिंग बन गई, इसमें उद्घाटन आज हम सब लोगों ने करा। छतरपुर कलेक्टर के साथ साथ हमारे भाजपा के सभी नेता भी उपस्थित रहे। शीघ्र यहाँ एसडीएम साहब